Hi my lovely dear angels, welcome back to my channel Super Beauty Desire और मैं हूँ प्रेरणा। तो फ्रेंड्स आज मैं जा रही हूँ मेहताब बाग और मैं हूँ आगरा में। जैसे कि आपको पता है आगरा है मेरा मायका, तो मैं यहाँ पर काफ़ी दिनों से हूँ। तो आज हम लोगों का प्रोग्राम बना है मेहताब बाग जाने का। तो मैं आपको बता दूँ कि जो मेहताब बाग है वो होता है फोटोशूट के लिए, इट इज़ वेरी मच फेमस। और आपने एक सॉन्ग सुना होगा संगमरमर वाला, जो सॉन्ग है कैसा है कोई गा के बताएगा मुझे? गोपू प्रखर विल यू सिंग? सुनाई नहीं है मैंने। या तो आगे से शायद आपको गाना सुनाई दे रहा है, सुनो ना संगमरमर वाला जो सॉन्ग है वो उसी मेहताब बाग में शूट किया गया था। तो आई एम ऑल्सो गोइंग देयर फॉर अ फोटो शूट, येस ऑफ कोर्स फॉर माई डॉटर एंड फॉर माई सन। एंड हो सकेगा टाइम मिलेगा तो मैं अपना भी फोटो शूट करवाऊंगी एंड अपने हस्बैंड का भी फोटो शूट करवाऊंगी। तो आज का कुछ प्लान ये है और देखते हैं कितना सक्सेसफुल हो पाता है, बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट द क्लोजिंग टाइमिंग्स ऑफ मेहताब बाग। होपफुली अगर जल्दी बंद नहीं हुआ तो वी विल हैव सो मच फन देयर। यस, मैंने नेट पे जो सर्च मारा था तो उसमें इट वॉज रिटन दैट सनसेट के बाद ही वो क्लोज होता है, तो सनसेट होने में भी 1 आवर इज लेफ्ट। तो वी हैव 1 आवर फॉर द फोटो शूट, तो होपफुली अच्छा सा टर्न आउट होगा। वहाँ की फुटेज ही मैं सारी आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आपसे किस तरीके से हम लोगों ने इंजॉय किया। और आज मैंने पहना है ये ड्रेस जो कि है ब्लैक एंड वाइट कलर में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैंने अभी ब्लो ड्राई की है अपनी हेयर और स्ट्रेटन नहीं किए, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी माई हेयर लाइक दिस ओनली, थोड़े से फ्लफी एंड ऑल मुझे चाहिए थे हेयर फॉर द फोटोशूट। तो इस वजह से मैंने कैट आई लुक बनाया है आज, एज यू कैन सी। और रेड लिपस्टिक लगाई है बिकॉज दिस ड्रेस है समथिंग रेड चंकी, दिस व्हाट डू वी से दिस पीस। और मैंने ये पहना है अपना नेक पीस जो कि मैंने मंगाया था क्लब फैक्ट्री से, आपने वीडियो देखा होगा क्लब फैक्ट्री का। और ये जो इयर रिंग्स पहनी हुई हूँ मैं, ये भी मैंने परचेज किए हैं क्लब फैक्ट्री से। तो लिंक दे दूंगी मैं नीचे आपको क्लब फैक्ट्री का, आप बिल्कुल देख लीजिए उस वीडियो को। और चलिए अभी ले चलती हूँ मैं आपको मेहताब बाग, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है वो, दिखाऊंगी मैं आपको सारी लोकेशंस मेहताब बाग की। और हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट मेहताब बाग इज़ जस्ट नियर बाय ताजमहल। यस फ्रेंड्स, वहाँ से ताजमहल भी बहुत अच्छे से विजिबल होता है, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में और लेट्स गेट स्टार्टेड। मेहताब बाग में और दिखा देती हूँ मैं आपको ऑल अराउंड किस तरीके का है मेहताब बाग। तो अभी ये जस्ट स्टार्टिंग है, मैं एंट्रेंस गेट पे खड़ी हुई हूँ मेहताब बाग के, और कुछ होर्डिंग्स लगे हुए हैं यहाँ पर। एक्चुअली ये जो है इसके पीछे की कहानी आप गूगल कर सकते हैं, ये शाहजहाँ ने ही बनवाया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शाहजहाँ ने बनवाया था दिस मेहताब। मतलब यहाँ से जो है ताजमहल बिल्कुल अच्छे से विजिबल होता है, तो बहुत अच्छी ग्रीनरी है, आप पूरा देख सकते हैं कितनी अच्छी से ग्रीनरी है। तो यस, ये सारी इसकी ग्रीनरी है जैसे कि आपने देखा, काफ़ी सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और शाम का टाइम है वैसे तो बस यही सब है, मैं आगे चल के भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके के यहाँ पर पार्क्स एंड एवरीथिंग है। और क्राउड तो है वो आगरा का ही क्राउड है, यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह भी आते नहीं हैं। तो यही है, देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, और गर्मी नहीं है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस टाइम जो है 35 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है राइट नाउ आगरा में इस टाइम इवनिंग में। और यहाँ पे जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं वो सारे बहुत आते हैं टू टेक द पिक्चर्स एंड टू मेक द वीडियोज़, सो या इट्स अ प्रोफेशनल प्लेस ऑल्सो फॉर देम। सो या सो आई वॉन्टेड टू शो यू ताज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ताज है बिल्कुल मेरे पीछे, ये रहा ताज, कहाँ से दिखाऊं, ये रहा ताज। तो ले चलते हूँ मैं आपको ताज के कुछ और करीब, चलिए चलते हैं।
सो ये है हमारा ताजमहल ब्यूटी ऑफ आगरा, और आगरा जो है इसी की वजह से फेमस है. और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. दिस इज़ द प्लेस फॉर लव वंस. और यहाँ पर जो है कपल्स आते हैं और प्रॉमिस करते हैं, कस्में खाते हैं अपनी प्यार की. तो बहुत ही प्यारा लगता है ये. ताजमहल के जस्ट पीछे है मेहताब बाग. तो इट्स ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी. और ये जो चल रही है मेरी डॉटर है, आगे चल रही है, और इसको जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है. जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है अराउंड. तो अभी मैं आपको अपना पूरा आउटफिट दिखा देती हूँ कि आज मैंने क्या पहना हुआ है. तो मैंने पहनी हुई है ये ड्रेस, एज यू कैन सी. या सो आज मैंने ये पूरी ओवरऑल ड्रेस पहनी हुई है, लॉन्ग ड्रेस, और ये ब्लैक एंड वाइट ड्रेस है. और मैंने ये पहना हुआ है चंकी पीस. तो और मैंने डाले हुए हैं स्टिलेटोस. लेट मी शो यू माय स्टिलेटोस. शायद आपको नज़र आ रहे होंगे. तो या ये है मेरा आउटफिट आज का. और मैं बढ़ रही हूँ आगे फ़ोटोशूट की तरफ. तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल ऐसा है सेट टू यू. और काफ़ी क्राउडेड भी लग रहा है अभी. जब स्टार्टिंग में मैंने मतलब एंटर किया था तब इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं था, अभी बहुत क्राउडेड लग रहा है. तो चलिए अभी थोड़े से स्टोन्स एंड ऑल है, तो लेट मी बी वेरी केयरफुल बिकॉज आई एम वेयरिंग हील्स टुडे. सो या अभी मैं आ चुकी हूँ थोड़े से. तो फ्रेंड्स अभी मैं पढ़ रही हूँ जस्ट ताजमहल के बैक साइड में. और अभी मैं थोड़ी सी कीप क्वाइट हो जाती हूँ और आप ब्यूटी देख सकते हैं यहाँ की. बहुत ही ब्यूटीफुल है. अगर आज मैं जल्दी आती तो पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने वाली थी. मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ बिकॉज़ यू नो घर पे इतने सारे काम होते हैं. काम इन द सेंस के बच्चों को संभालना होता है, दोनों बच्चों को फिर रेडी करा, लंच किया. एक्चुअली हम लोग आज लंच में थोड़े से लेट हो गए थे, सो दैट्स व्हाई इट इज़ लाइक दिस. और यहाँ से मैं आपको ताजमहल दिखा देती हूँ कि किस तरीके का है. बहुत ही ज़्यादा विजिबल है अभी यहाँ से ताजमहल. तो अभी मैं अपना कैमरा उस साइड का, या फिर मैं ही टर्न हो जाती हूँ और आपको दिखा देती हूँ. अभी मैं रैम वॉक एक बना हुआ है उस पर वॉक कर रही हूँ. सो आई विल बी वेरी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग एंड टॉकिंग टू यू ऑल. सो या टाइम टू टर्न राउंड. या सो ये है ताजमहल. एज यू कैन सी द ताजमहल बहुत ही प्रिटी लग रहा है, आप देख सकते हैं. और ये बैक साइड है ताजमहल का, मतलब ये ताजमहल उस साइड से ओपन होता है और ये बैक साइड में जो है हमारा ये मेहताब बाग है. तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा फोटो शूट करा लेती हूँ, देन आपसे टॉक करती हूँ. ये है ताजमहल, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने. जूम करके दिखा देती हूँ मैं आपको. तो ये है ताजमहल ब्यूटी ऑफ आगरा. और जैसे कि आप देख सकते हैं कितना क्राउडेड है. बहुत छोटे छोटे आपको जन नज़र आ रहे होंगे वहाँ पर. तो बहुत क्राउडेड हो रहा है आज. और इसके अराउंड पूरा ये ग्रीन एरिया है एज यू कैन सी. तो ये इस तरीके का पूरा एरिया है, पूरे रॉक्स एंड ऑल पड़े हुए हैं. और मुझे पता नहीं था, मैंने जो है स्टिलेटोस पहन लिए, हील्स पहन लिए एज यू कैन सी. और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे वॉक करने में. तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाती हूँ और क्या क्या है यहाँ पर. फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा पूरा ताजमहल. अभी मैं जा रही हूँ डाउन, स्टेप डाउन कर रही हूँ. तो लेट्स बी वेरी केयरफुल वाइल गोइंग डाउन. तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़े से जो ग्रीन पार्क है वहाँ पर. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दिस ताजमहल, हिट लाइक फॉर दिस ताजमहल. और मैं आपसे बात करते करते गिर ही जाऊँगी आई थिंक, बिकॉज यहाँ पर द प्लेस इज नॉट वेरी गुड फॉर हाई हील्स. एंड दैट्स माई यू नो मेरी गलती थी कि आज मैं हाई हील्स पहन कर आ गई. सो अभी मैं जा रही हूँ, बढ़ रही हूँ थोड़ी सी ग्रीनरी की साइड में. और लेट मी शो यू ऑल द ग्रीन थिंगी देयर. बहुत ज़्यादा ग्रीनफुल ग्रीनी ग्रीनी है. सो लेट मी शो यू अराउंड. या सो कितना प्यारा है ये मेहताब बाग. मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है. और काश मैं यहाँ पर जल्दी आई होती. I mean, थोड़ा सा मुझे और टाइम मिलता तो मैं आपके लिए और ब्लॉगिंग करती और यहाँ पर टाइम स्पेंड करती. तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा और फ़ोटोशूट करवाते हैं यहाँ पर. फ्रेंड्स अभी बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट हो चुका है. फ़ोटोशूट की फुटेज भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी. और अभी मैं जा रही हूँ बाहर बिकॉज़ जो यहाँ के वॉचमैन हैं वो सारे आ गए हैं और सारा जितना भी क्राउड है उनको बाहर कर रहे हैं. तो आई थॉट इट्स गुड जो
तो आई थॉट इट्स गुड कि पहले ही निकल जाएं हम लोग. और जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रीनरी चारों तरफ मेरे. मेरा मन तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, बट नेवरदलेस आई हैव टू गो फ्रॉम हियर. और मेरे पास है मेरा हैंड बैग एंड मेरे बेबी का भी बैग है जो कि मेरे हबी कैरी कर रहे हैं ताजमहल. तो चले निकलते हैं यहाँ से बाहर. और अभी मैं लगा देती हूँ एक म्यूज़िक आपके लिए जिससे कि आप इंजॉय कर पाए यहाँ का आउट जो रास्ता है वो. तो या हाँ जी ही सेइंग कि मैं जा रहा हूँ घर. लोग बात मानते नहीं है. यस फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो अबाउट दिस ब्लॉग, मेहताब बाग का ब्लॉग. और जैसे कि आपने देखा साथ में था ताजमहल और साथ में था मेहताब बाग. और फोटोशूट किया था हमने वहाँ पर. मैंने क्लिपिंग्स भी थोड़ी सी ऐड कर दी हैं आपके लिए. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट लाइक टू दिस वीडियो और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में. और अभी मैं आ चुकी हूँ अपने घर. मैं वहाँ पर अच्छे से क्लोज नहीं कर पाई थी ब्लॉग को, तो मैंने सोचा कि चलिए अभी घर आके एंड कर देती हूँ इस ब्लॉग को. तो मैं मिलूंगी आपसे किसी और ब्लॉग में. टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय.